Students, class 7 and 8, subject English. Students, इस वीडियो में पहले मैंने यूज ऑफ दिस उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं यूज ऑफ दिस और डेट के साथ में नेगेटिव सेंटेंस. तो N E G A T I V E negative S E N T E N negative sentence. तो students negative sentence में क्या करते हैं, this और that में not लगा देते हैं, यानी यह है और वह के साथ में नहीं आता, यह है और वह के साथ में sentence में नहीं आता है, तो हम इज या वाज के बाद में नॉट का यूज करते हैं. और यदि यह है या वह है, यह है या वह है के साथ सेंटेंस में, यदि यह या वह के साथ नहीं आता आता है तो इज या वाज के बाद नौ लगा देते हैं, यानी कि यदि सेंटेंस में नहीं आता है तो इज या वाज के बाद नॉट लगा देते हैं. जैसे यह है कुर्सी नहीं है, मैंने बताया था ना सबको कि यदि ए भी ना आए, एक ना आए तो हम इंग्लिश में एक जरूर लिखते हैं. दिस इज नॉट अ चेयर, दिस इज नॉट अ चेयर, यह कुर्सी नहीं है. अब वह गेंद नहीं है, वह गेंद नहीं है तो that is not. इसमें हमारा एक लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन this और that के साथ में हम एक या and जरूर लगाना होगा. This is not a ball. वह तुम्हारा कप नहीं है, वह तुम्हारा कप नहीं है. स्टूडेंट कैसे बनाएंगे बताओ, सोच लो पहले. वह की अंग्रेजी डैड, इज नॉट योर कप, that is not your cup. अब वह दरवाजा नहीं था, अब लगाते हैं इस स्थान पर था, तो क्या करेंगे, that
was not a dog. There was not a dog. There was a नहीं था. तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इन सबको मूव कर. अब इसके बाद में हम इंटरप्रेटिव करते हैं. आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी ई इंटरप्रेटिव सेंटेंस एस ई एन टी ई एन सी इंटरप्रेटिव सेंटेंस. तो क्या कर रहे हैं हम? यह है वह 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 ये से पहले क्या आ रहा है. तो हम इस इज को या वाज को दिस और दैट से हम पहले ले आते हैं. तो लिखो यदि यह है या वह से पहले क्या है? आता है तो इज या वॉज इज या वॉज को दिस या दैट से पहले ले आते हैं. यदि ये है या वह है से पहले क्या आता है तो इस या वार को दिस या दैट से पहले ले आते. सेंटेंस के बाद में सेंटेंस के बाद में इंटरप्रेटिव वर्ड आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी ई इंटरप्रेटिव मार इंटरप्रेटिव मार. इस तरीके लगाते हैं जैसे क्या ये है पेंसिल है और बाद में इंटरव्यू बाद लगाए गए हम इंटरप्रेटिव मार. क्या यह पेंसिल है तो है बाद में आया है इसलिए पहले इज है दिस अ पेंसिल इज दिस अ पेंसिल नोट करते हैं सभी तुरंत के तुरंत. क्या वह काली पतंग है? क्या वह काली पतंग है तो क्या करेंगे हम? है कि अंग्रेजी पहले एंड इज डेट अ ब्लैक काइट
Is there a black guy? क्या वह खाली पसंद है? क्या वह तुम्हारा कुत्ता है? तो था बाद में आ गया था या ये क्या करेगी was that your dog was that your dog क्या यह खाना नहीं है? क्या यह खाना नहीं है? तो इस देश ना इसमें एक खाना दो खाना ऐसा तो नहीं हो सकता इसलिए इट इज नॉट फूड हम जाए फूड इट इज नॉट फूड एक खाना दो खाना तीन खाने हमें चार खाने का ऐसा नहीं कह सकते इसलिए हम फूड के साथ में ये नहीं लगा रहे इट इज नॉट फूड क्या ये खाना नहीं है क्या वह खिड़की नहीं है तो इज दैट नॉट अ विंडो Is there not a window? क्या वह खाना नहीं है अब हम क्या करते हैं कि सेंटेंस के बीच में क्या है यदि सेंटेंस में क्या आता है तो इज या वोज से पहले क्या कि अंग्रेजी वह ले आते हैं यदि हम सेंटेंस में अंदर बीच में आता है सेंटेंस में क्या आता है तो हम उसकी अंग्रेजी वह को इंच से भी पहले या बाद से पहले लगा देंगे लेकिन सेंटेंस में यह या वर्ड से पहले क्या आता है तो हम बहुत या वर लाएंगे और यदि सेंटेंस में क्या आता है सेंटेंस में क्या आता है तो उस क्या की अंग्रेजी वर्ड या वर से पहले वह लगा देते हैं जैसे यह क्या है यह क्या है
हम किसी से प्रश्न करें यह क्या है, तो वो क्या की अंग्रेजी वॉर इज दिस, वॉट इज दिस, या वह क्या है, वह क्या है, तो वह की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे हम, पहले पहले लगाएंगे क्या की अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी वॉर, और है की अंग्रेजी इज, और वह की है। तो हम क्या करेंगे, पर्सन पूछते हैं किसी से व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, तो दिस इज तुम्हारा सब लोग ये पूछूं व्हाट इज दिस, तो तुम्हें बोलना है दिस इज अ चॉक, क्योंकि व्हाट इज दैट वो क्या है, तो दैट वो भी दूर देखे, पेड़ पहाड़ कमरा कोई भी चीज कोई भी वस्तु जो तुम्हें दिखे वो तुम्हें बतानी होगी, मैं कहूँ व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, मैं कहूँ व्हाट इज दैट वह क्या है, तो दैट इज अ ट्री, दैट इज अ काइट, दैट इज माय बेड, दैट इज माय होम, तो व्हाट इज दिस किसी से पूछेगा वो सब करेगा तुरंत, व्हाट इज दिस यह क्या है, तो आंसर में आए दिस इज अ चॉक, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, जैसे व्हाट इज, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, आंसर दिस इज माय शर्ट, अब अगला प्रश्न व्हाट इज दैट वह क्या है, तो आंसर में दैट इज माय शू, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा दिस और दैट का, अगले एक वीडियो में मैं तुम्हें इसके दिस और दैट के सेंटेंस बताता हूँ, या फिलहाल मैं तुम्हें कल बोलूँगा इसके, लेकिन अगली वीडियो में मैं दिस और दैट के बाद में दीज और दोज का यूज कराऊंगा, मतलब एक वस्तु के लिए हम दिस और दैट का यूज करते हैं और अनेक वस्तुओं के लिए हम दीज और दोज का यूज करते हैं, तो ये हमारे दो वीडियो में दिस और दैट का यूज फाइनल हुआ, फिनिश हुआ, अगले वीडियो में दीज और दोज का मैं यूज कराऊंगा आपको, तब तक इसे समझिए और याद करिए, कोई समझ में ना आए तो मुझसे फोन पर बात करिए, फोन पर मुझसे पूछ लीजिए, थैंक्स स्टूडेंट्स।